ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 8 फरवरी 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। आज राज्यसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना, जमकर बरसे मोदी। बोले, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास में खो जाते हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अपने चरम पर। ममता बनर्जी उतरी अखिलेश यादव के समर्थन में, तो वहीं रक्षा मंत्री बोलते मिले फिल्म पुष्पा के डायलॉग। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सख्त हुई प्रदेश सरकार, 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लगता है कि कांग्रेस ने 100 वर्षों तक सत्ता में वापस न आने का मन बना लिया है। भारत का इतिहास बदलने की कोशिश के आरोप पर मोदी बोले कि मैं इतिहास बदल नहीं रहा, इतिहास बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर गोवा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने याद दिलाया पंडित नेहरू का 15 अगस्त 1955 का भाषण। बोले, पंडित जी ने भारत की आजादी के बाद भी गोवा को 15 साल तक गुलाम रखने पर मजबूर किया, क्योंकि जब गोवा में सत्याग्रहियों पर विदेशियों की गोली चल रही थी तो पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं सेना नहीं भेजूंगा, और उन्होंने सत्याग्रहियों की मदद करने से मना कर दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो गोवा से सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर की देशभक्ति की कविता की प्रस्तुति दी थी। किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी पर लंबे समय तक इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि किशोर कुमार ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस का प्रचार गीत गाने से इनकार कर दिया था। मजरूह सुल्तानपुरी और प्रोफेसर धर्मपाल को अपनी कविता में पंडित नेहरू पर टिप्पणी करने पर 2 साल जेल में बंद किया गया था। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल की तरह हो गई है। कांग्रेस की गलतियों का इतिहास गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ यूं हमलावर हुए। वे बोले, अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत आचार बनाकर न रखा जाता। 1984 में सिखों का नरसंहार न होता। कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। कांग्रेस ना होती तो भारत की सत्ता में परिवारवाद ना होता। कांग्रेस ना होती तो जनता को 70 सालों तक बिजली, पानी, सड़क, शौचालय और घर के लिए तरसना ना पड़ता। प्रधानमंत्री के इस भाषण के दौरान आलम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद सदन से उठकर बाहर चले गए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी फिल्मी अंदाज में नजर आए। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में आज अपने भाषण में कहा कि आजकल फिल्म पुष्पा का नाम काफी चर्चा में है और हमारे सीएम का नाम पुष्कर है, लेकिन ये पुष्कर नाम सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि फ्लावर है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। हमारा पुष्कर ना कभी झुकेगा ना कभी रुकेगा। वहीं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज हरिद्वार उत्तराखंड में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उत्तराखंड पर 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपसे वादा है कि 5 साल में हम सभी पिछले कर्ज खत्म कर देंगे, सरकार को प्रॉफिट में ले आएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने और उन्हें जीत दिलाने और भाजपा को हराने का आग्रह करती हूं। भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों के झांसे में न आए। ममता बनर्जी 3 मार्च को वाराणसी भी जाएंगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में हाई स्कूल और कॉलेज को अगले 3 दिनों तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
राज्य में हिजाब और भगवा शॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य के उडुपी, शिवमोग्गा, बागलकोट और अन्य हिस्सों में हिजाब मुद्दे को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। हिजाब के विरोध में छात्र भगवा शॉल पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं सभी छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन के साथ साथ कर्नाटक के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पर न्यूज़ रेल।